लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। छिनतई के मामले में 4 अभियुक्तों को देसी कट्टा के साथ किया गया गिरफ्तार। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीते दिनों श्री राम रजवार करणपुर आतो से अपने घर कल्याणी साइकिल से आने के क्रम में झिकरा स्कूल के पास मेन रोड पहुंचे कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 अज्ञात व्यक्ति ने डरा धमका कर इनके पैकेट से मोबाइल लेकर भाग गया। उपायुक्त सूचना मिलते ही थाना प्रभारी तालझारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कन्हाई पंडित मनोरंजन कुमार मंडल उर्फ मोहन, धर्मो मंडल, विष्णु मंडल को लूटे गए वादी के मोबाइल सहित एक देसी कट्टा लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं 2 मोबाइल के साथ रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि रात्रि दूध गाड़ी को लूटपाट के उद्देश्य से अपने सहयोगी के साथ गोलीबारी की मदद से अंजाम देने की बात स्वीकार किया है। कल दिनांक 13/9/22 को श्री राम रजवार अपने पिता के साथ कर्णपुरातर से घर जा रहे थे कल्याणी की ओर। इसी बीच 2 मोटरसाइकिल सवार पर 4 अपराधी आए और उन्हें हथियार के बल पर उनका मोबाइल छीन कर भागने लगे। इस सूचना पर थाना प्रभारी तालझारी ने त्वरित कार्रवाई किया और चेकिंग के दौरान उन्हें चिन्हित करते हुए रोकने का प्रयास किया, किंतु वह उनको चकमा देकर आगे भागे। फिर इन लोगों ने पीछा करके उसे पकड़ने में 4 लोगों को सफलता हासिल की, जिसमें एक का नाम कन्हाई पंडित, दूसरा का नाम मनोरंजन कुमार, तीसरा का नाम धर्मो और चौथे का नाम विष्णु मंडल। और इनके पकड़ाने के पश्चात इनके पास से एक देसी कट्टा और वादी का लूटा हुआ मोबाइल तथा लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए। इस तरह सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अफसर इंचार्ज ने बहुत ही बेहतरीन काम किया और घटना के चंद घंटों के बाद ही इस कांड का सफल उद्भेदन किया। ये सभी बधाई के पात्र हैं। दे दो कहाँ पर